रे स्वर्ग में पंचो प्राणी। पुत्र समान दे तू है दान तुझन भारी तुझन भारी। प्रजा में ना कोई करी न हुए राजा की बदनामी। प्रजा में ना कोई करी न हुए राजा की बदनामी। महाराज जो तानपा जिनके घर में पतव्रता स्त्री मैया सुनीति जो रहे, कहते सुमाने अच्छी और नीति माने विचारों वाली, वो माँ पतव्रता स्त्री मैया सुनीति कि भगवान की ऐसी अनुकंपा, गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। कहते हैं अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो पांच। ध्यान देना पांडाल में बैठे पिता तुल बुजुर्गों, जो ज्यादा गुणी स्त्री होती है उसके पास में धन नहीं रहता है, और जो ज्यादा हद से ज्यादा स्त्री सुंदर होती है वो अधिकांश बांझ हुआ करती है। ध्यान देना मैया सुनीति जो रहे, किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। मैया विचार कर रही है क्या करें, और कहते हैं ना मैया चाहे कितने भी सुंदर हो, धन दौलत के भंडारे भरे होएं, पर लेकिन ध्यान रखना एक संतान के बिन सब अधूरा सूना सूना लगता है। पतिव्रता स्त्री की शोभा एक पुत्र के समान होती है, पुत्र हो तो शोभा कुछ अलग ही होती है। मेरे भगवत श्रोताओं, वो मैया सुनीति जो रहे बांदी को पास में बुलाया, जवाब दिया बांदी मेरी एक बात सुन, तो ही नहीं मालूम कि बांदी लई बुलाई और कही समझाए चली गजारी, और मेरे सैया को तेरे के बांधी तू जल्दी लारी। बांधी लई बुलाई कही समझाई चली गजारी चली गजारी, मेरे सैया प्रीतम को तेरे के बांधी तू जल्दी लारी। सोई भजी बिटरिया रंग मेल से मसक जात मधुरिया चा, चटक चुनरिया लटक जावे धोतिया कपट पांच सो जाए, उमर को लचका पैर को लचका लचका ले कमर बलखा, जा गई बांधी बा गई बांधी बांधी लगी बरोबर जाए, हाथ जोड़ के मारा जा से ऐसे कारण समझा।
सगी सब जाते बुलाओ महारानी में सोच ले वे को तैयार सुनी खबरिया जब राजा ने तुरंत ही चल चलो सितार आवत देखो जब मैया ने बज के पलिंग दौर रंगाए लेके लोटाया जुटीर को जल भर लाई नारे गार धीरे धीरे रनिया बोले परम सने बल महामार धीरे धीरे रानी मेरे भैया बांदी को भेजा बांदी के द्वारा महाराज को बुला लिया पास में बैठाला जवाब दिया पिया जवाब दिया हाँ रानी मुझे क्यों बुलाया है जवाब दिया हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है तुम तो राजकाज में लगे रहते हो तुम्हें तो किसी बात की चिंता नहीं है मुझे बहुत बड़ी चिंता है जवाब दो पागल हो क्यों चिंता करती हो हैं तुम्हें पता है चिंता करने से क्या होता है ध्यान देना पंडाल में बैठे पिता तल बुजुर्ग चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर होता है बिंदी लग गई तो चिंता हो गई चिंता का मतलब होता है शरीर तो रहता है पर उस लायक नहीं रहता है जैसे लकड़ी में एक कीड़ा लगता है ऊपर से तो लकड़ी ठीक दिखती है पर लेकिन भीतर खोखला बना देता है कीड़ा है इसी प्रकार ये शरीर है इस शरीर के अंदर चिंता प्रवेश कर गई तो समझो शरीर तो रहता पर उसके लायक नहीं रहता है और चिता बिंदी हट गई चिता हो गई चिता का मतलब होता है शरीर को जलाना मिट्टी को मिट्टी में मिलाना ये चिता का मतलब है चिंता मत करना तुम जवाब दिया मैं चिंता न करें तो करेगा तुम तो अपना राजकाज में समय व्यतीत कर लेते हो तुम्हें पता नहीं है हमारे गर्भ से किसी आज तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया मैं क्या करूं मुझे बहुत बड़ा दुख है और ध्यान देना पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं शब्दों पर ध्यान देना अगर तुमसे अगर कोई किसी से पूछे कि भैया तुम सुखी हो तो परीक्षित महाराज एक ही जवाब मिले हैं कि हमसे दुनिया में बड़ो कोई दुखी है ही नहीं हमसे बड़ो कोई दुखी है ही नहीं प्रभु ने दुख दिया है तो सारा दुनिया का हमें ही दुख दिया एक कवि ने मानव के ऊपर दुख के ऊपर वर्णन किया है बताया कदी न कहे और धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा गोपाली ध्यान देना दीन कहे धनवान सुखी मैं नहीं सुखी धनवान सुखी है धनवान कहे सुख राजा कुमारी या मैं नहीं राजा भाव ते जवाब दो राजा को सुख तो राजा को पूछा गया तुम सुखी हो जवाब दिया सुनो दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी अब राजा कहे महाराजा सुखी ध्यान देना अब राजा भी कहता है मैं सुख नहीं हूं मेरे पास क्या सुख है हमसे बड़े महाराजा जो है सुख तो उनके पास में है राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र पाली सुखी
पहुंच गई, भोले बाबा तक पहुंच गई। इंद्र कहता है मैं भी सुखी नहीं हूं, ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं भी सुखी नहीं हूं, फिर कौन है? त्रिपुरारी सुखी है, पर सुख किसके पास है? मैं सबक से पूछ आए, किसी ने नहीं बताया मेरे पास सुख है। अरे जब किसी के पास में सुख नहीं है तो सुख किसके पास है? जवाब दिया सुनो। इंद्र कहें विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहें सुखी त्रिपुरारी। अब दासन दासा तुलसी कहें, बिन भजन बिना सब जीव दुखारी। सबको पूछा, सबने मना कर दिया, मैं दुखी हूं, मेरे पास सुख नहीं है। सुख को ढूंढते 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 भगवान तक पहुंच गए, भगवान ने भी मना कर दिया, मैं भी सुखी नहीं हूं। सुख किसके पास?